नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम पावर के ऊपर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एनटीएससी स्कॉलर बनने के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको एनटीएससी स्कॉलर बनाने में मदद करने वाले हैं। तो मेरा नाम है सुमित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म एग्जाम पावर। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लाइव क्लासेस मैं आप लोगों के लिए एनटीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ले रहा हूं उनको आप जाकर के एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो रेगुलर बेसिस पे आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और जो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस देता हूँ उनको आप रेगुलर बेसिस पे बनाइए और मुझे फॉरवर्ड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पर आप जो है DPPs ले सकते हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नंबर पे जो टिप आती है वो ये आती है, नाउ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस का पता करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं और कौन से सब्जेक्ट में आप जो है वो स्ट्रांग है, राइट। उसके बाद में सेकेंड नंबर का जो पॉइंट आता है वो आता है फॉलो NCERT बुक्स, यानी आपने पता कर लिया कि मैं कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मेरा वीक है। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा वीक टॉपिक है उसको हम ज़्यादा टाइम देंगे और जो हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको हम कम टाइम देंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है फॉलो NCERT बुक्स, यानी आपको सबसे पहले NCERT बुक्स को फॉलो करना है। उसके अंदर जो आपके वीक टॉपिक है उनको आप बनाइए, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको आप बनाइए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ योर मैथ सेक्शन, यानी मैथ सेक्शन पे आपको पकड़ बनानी ही है अगर आप एक NTSC स्कॉलर बनना चाहते हैं। तो मैथ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, मैथ का जो सेक्शन है उसको आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है अगर आपका वीक है तो, और वीक नहीं है तो फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। वर्क ऑन योर सेट सेक्शन, आप अपने सेट सेक्शन के ऊपर भी काम करेंगे। आपका जो सेट सेक्शन है उसके अंदर फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ्स आता है, बायो आता है, राइट और SST आता है। इन सभी जो सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है इनके ऊपर भी आपको काम करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सॉल्विंग सैंपल पेपर, आपको सैंपल पेपर जरूर बनाने हैं, सैंपल पेपर को भी आपको सॉल्व करने हैं बिकॉज सैंपल पेपर जो है वो बहुत अच्छा जो है वो स्कोर करवा सकते हैं किसी भी NTSC एस्पिरेंट को जब वो NTSC एग्जाम देगा अगर उसने सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं तो। उसके बाद में आता है एनालाइज योर परफॉर्मेंस, यानी आप टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहें कि क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ या फिर मैं सही ट्रैक पे नहीं हूँ। अपने मेंटोर से, अपने टीचर से आप टाइम टू टाइम गाइड लेते रहें। मैं भी एवरी संडे जो है वो गूगल मीट पे सेशन रखता हूँ बच्चों के लिए जहाँ पे मैं उन बच्चों को गाइड करता हूँ जिन बच्चों के स्ट्रेटजी से रिलेटेड, बेस्ट बुक से रिलेटेड, या फिर एग्जाम कब होगा, एग्जाम के एडमिट कार्ड कब आएंगे, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे मैं उनकी शेयर करता हूँ। तो आप भी अगर जूम मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे यानी कि एवरी संडे जो है वो जूम मीटिंग आपके लिए रखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है अप्लाई फाइंडिंग का मतलब कि अगर आपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करा और आपको कोई कमी अगर नजर आई तो उसको आप अप्लाई करो, यानी आपने अपनी कमी को ढूंढा और उसको आप ठीक करने की कोशिश करो। उसके बाद में आता है रेफरेंस बुक, केवल एक ही रेफरेंस बुक को आप फॉलो करें। मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक आती हैं लेकिन आपको केवल एक ही बुक फॉलो करनी है जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी आपका मेंटर आपको सजेस्ट करता है। उसके बाद सेल्फ स्टडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें लेकिन सेल्फ स्टडी करने का जो सही तरीका है आप उसको जो है वो यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाए कि सेल्फ स्टडी का सही तरीका क्या है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सबसे लास्ट एंड फाइनल टिप हमारी यही है कि जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट सक्सेस। अगर आप NTSC स्कॉलर बनना चाहते हैं तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।